हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहन जी का कमेंट आया कि उनको 7 वर्ष से कोई संतान नहीं है। उनके शादी के 7 वर्ष हो गए, शादी हुए और अभी तक कोई संतान नहीं है। तो उस बहन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि यदि कोई प्रार्थना विनती आती है तो ज़रूर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो आइए हम लोग उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं राजा, आप हमारे ही कारण मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन जीवित उठे परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा, इस सिस्टर के जीवन में परमेश्वर आप कार्य करिए प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजा, परमेश्वर शादी के परमेश्वर 7 वर्ष हो गए प्रभु, अभी तक परमेश्वर इनके कोई संतान नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर पर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके गोद को भर दीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, परमेश्वर इनको परमेश्वर गर्भफल का प्रभु जी आप वरदान दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कहते हैं राजा, यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में पड़ जा तो तेरे लिए हो जाएगा प्रभु। उस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं राजा, इस बहन के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु। इन्हें परमेश्वर अच्छा संतान दीजिए प्रभु, एक परमेश्वर वरदान दीजिए प्रभु जी। असंभव को संभव बनाने वाले आप हैं राजा प्रभु। प्रभु सिस्टर के जीवन में परमेश्वर आप कार्य करिए राजा, अद्भुत गवाही परमेश्वर हमारे बीच में होने पाए राजा। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके हस्बैंड परमेश्वर जो नशे के लत में है राजा, उस नशे के लत से दूर होने पाए परमेश्वर प्रभु। हर एक गंदी लतों से परमेश्वर उन्हें बचाइए प्रभु। इनके परिवार को भी परमेश्वर आपके पवित्र लहू से ढकते हैं राजा। परिवार के एक एक जन को परमेश्वर आपके लहू से सील करते हैं प्रभु। अद्भुत गवाही परमेश्वर हमारे बीच में होने पाए, इनके जीवन में आप कार्य करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना जीवित मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।